मुलायम सिंह यादव की स्मृति में क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। सपा नेता एवं संभावित चेयरमैन प्रत्याशी मुजफ्फरनगर पालिका सुमित खेड़ा रहे मुख्य अतिथि। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी के नेतृत्व में चल रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में आज के मैच में सपा नेता सुमित खेड़ा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और उनके साथ मजदूर सभा के महामंत्री दुर्गेश यादव भी मौजूद रहे। सुमित खेड़ा ने कहा कि आदरणीय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने आजीवन खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया और उन्हें आग बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवा नशे को छोड़कर खेल के क्षेत्र में आगे आए और अपने अपने परिजनों का नाम रोशन करते हुए अपने भविष्य को उज्जवल करें। सपा नेता सुमित खेड़ा एवं क्रिकेट कोच गौरव कुमार ने कहा, इस टूर्नामेंट के आयोजक सपा नेता रोहन त्यागी एवं डॉक्टर नूर हसन को इस क्रिकेट टूर्नामेंट को कराने के लिए विशेष धन्यवाद दिया। आज के मैच में खतौली टीम ने मैपल क्रिकेट एकेडमी शामली को 3 विकेट से हराया। टॉस जीतकर शामली ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। ये मैच 18 ओवर का खेला गया जिसमें शामली की टीम ने 18 ओवर में 98 रन बनाए। कृष पटेल ने 18 रन, अजमल ने 16 रन, ऋतिक राणा ने 13 रन, अजमल ने 16 रन, ऋतिक राणा ने कट ले लेना एक लाइन दो बार हो गई है। ऋतिक राणा ने 13 रन, अभिषेक ने 12 रनों का योगदान टीम को दिया। खतौली के गेंदबाज सही संदीप और सनी को 2-2 विकेट मिले, मुनीब को 1 विकेट मिला। 99 रनों के आसान से लक्ष्य को खतौली टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर प्राप्त कर मैच जीता। खतौली के बल्लेबाज संदीप सैनी 29 रन, सलमान 29, रिहान 16, रनगाजल ने 13 रनों का योगदान टीम को दिया। शामली के गेंदबाज कुलदीप को 3 विकेट, सुमित को 2 विकेट, परवीन और तरुण को 1-1 विकेट मिला। मैच में 29 रन और 2 विकेट लेने वाले संदीप सैनी को मैन ऑफ द मैच दिया गया। समाजवादी पार्टी के पुरोधा माननीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की स्मृति में होने जा रहे इस टूर्नामेंट के आयोजक समाजवादी पार्टी के श्री रोहन त्यागी जी, डॉक्टर नूर हसन जी और पूरी समाजवादी पार्टी के सभी साथी लोग, मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं इस टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि हमेशा नेताजी मुलायम सिंह ने खेल और खिलाड़ियों दोनों को आगे करने का काम किया। हमारी सरकार में जो खेल खेलने वाले बढ़िया खिलाड़ी होते थे उन्हें सरकारी नौकरी में तवज्जो दी जाती थी। इतने बढ़िया टूर्नामेंट के लिए आज नेताजी की यादें ताज़ा हो गई। खेलने के लिए नेताजी हमेशा प्रेरणा देते थे, खिलाड़ियों को वो हमेशा आगे बढ़ाते थे। खेलने से जहाँ आपका शरीर निरोगी रहता है, वहीं अब खिलाड़ियों के लिए सुनहरे अवसर भी सरकारी नौकरियों में देखने को मिलते हैं। मेरा इन सभी युवाओं से जो है क्रिकेट खेलते हैं, मैच खेलते हैं, उनसे निवेदन है, मेरा आग्रह है कि खेल में आगे बढ़ें, नशा ना करें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें,